कि तू जो बदला है तो अपना भी। मैं तुझे पहले खांग लो, बाद शेर पढ़ूंगा। खांग लिया, कोई गंदी जी गाली सोचो। चपेड़ मारने के दिन सारी मैं थोड़ी गुस्से में आ गई। बड़ा गुस्सा आया ननु, बड़ा गुस्सा आया। मैं तो दिल नहीं कर रहे थे तो टीवी तोड़ देंदे पढ़ के। यहाँ पे माँ की बैकों में भी प्रॉपर फ्रेश सूट पहना हुआ बहन ने अपनी हीले चढ़ाई हुई है। बंदा तो उन्होंने लम्या पाले मारे छितर सौ तो गिने। और वो कह रहे हैं जी मैं तो दिल नशीन से तुम्हारी शादी करा के छोड़ूंगा। ये वो मतलब यही काम तुम पहले कर लेते यार। वो अब मुंह चुक के अंकल जी बड़ा सारा मुंह है ओ वरना बड़ा सारा मुंह चुक के आई गए ना उथे। शेर अर्ज है कि तू जो बदला है तो अपना भी यही तौर सही। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। साढ़े वाले इंज होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा, मेरे साथ हैं सईद अली हैदर और वेलकम टू आवर चैनल सिद्रास डायरी। और मैं बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार। वो आपको इनकी आवाज से अंदाजा हो गया होगा कि ये बीमार हैं। कोरोना नहीं है मुझे, लेकिन मैं पहले बता दूँ मेरे से गला खराब है, मुझे टॉन्सिल्स का इश्यू है। तो मुझे जब भी वेदर चेंजेस होते हैं तो मेरे से ये प्रॉब्लम हो जाता है। बुखार भी मुझे बातें करो खुद अकड़े हुए हो। मेरे भी असल में ना यहाँ इन दोनों पट्ठों पे स्पैज़म हुआ हुआ है। तो आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें सेहत दे, क्योंकि इस बीमारी के बावजूद भी हम आपको मिस कर रहे थे, हम आपसे दूर नहीं रहना चाहते। सो हम भी मिस करते हैं, आपके कमेंट्स मिस करते हैं, आपका फीडबैक मिस करते हैं। सो हमने कहा कि पहले भी एक दफा गैप आ चुका है जो कि हमें अच्छा नहीं लगा था, बट अब गैप नहीं आना चाहिए। एंड दिस इज द ओनली रीजन जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा एक्टिवली आप लोग को रिस्पांस भी नहीं दे रही। एक दो दिनों में ठीक हो जाऊंगी, सबकी बातों का जवाब दूंगी। दुआ करनी तुझे, दुआ करनी तुझे। तो जी जो आज का हमारा रिव्यू है वो है उस ड्रामे का जिसकी बहुत सी डिमांड आ रही थी। वो बस ये हुआ था कि थोड़ा सा बीच में गैप आ गया था। मैं ड्रामा देख जरूर रही थी लेकिन क्योंकि मुश्क एंड हो रहा था, डंक बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ था, रक्से बिस्मिल में सब पागल हुए हुए थे। yes. तो हमने कहा कि जरा फितूर को भी ठंडा करते हैं। तो अभी ये फितूर लेके आए आपके लिए। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत पसंद yes. है। एंड इट जस्टिफाइज इट्स नेम फितूर। हाँ, मुझे फितूर घुस जाता है ना लोगों के जहन के अंदर, बड़ा मजा। तो वो वही घुसा हुआ जहन के अंदर। मुझे मजा आ रहा है, मैंने इसकी कोई एपिसोड मिस नहीं की है। और बड़ी अच्छी डिवेलपमेंट हो रही है इसके अंदर। और ये जरा फास्ट पेस ड्रामा है। आई लाइक द फैक्ट कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ चार पांच चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ ये नहीं हो रहा कि एक चीज़ करके तो उसको बस बाकी चीज़ों को फ्लैशबैक्स और ये वो देखे करते जो। आज की जो एपिसोड है वो सबसे रिसेंट एपिसोड है। उसमें आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि जो हमजा साहब हैं उन्होंने ट्राई की है दिलनशी को, वो तंग कर रहे हैं बार बार जा जाके। वो यानी वो अपनी फियांसे के साथ, वो हैदर के साथ जा गई होती है बाहर खाने पर, वहाँ पर भी आके उसको यानी वो एक तरीके से मुझे लगता है जैसे वो उसको ना इंटिमिडेट कर रहा है, डरा रहा है उसको। हाँ, कि तुम मेरी हो और ये है और वो है, मैं तेरे पीछा नहीं छटांगा, मैं तेरा बुखार बन के रहूंगा, यू नो इस तरह का। और जी वो जाके जिस चीज की मैं आज जरूर बोलना चाहती हूँ, आई डोंट नो ये रिसेंटली हमारे ड्रामा में क्यों हो रहा है, इस चीज को इतना प्रमोट करें। हर हराम काम के बारे में नीचे लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अगर आप दिखाते हैं कि कोई शराब पी रहा है, इवन सिगरेट या हुक्का भी कोई पी रहा होता है, तो उसमें आ जाता है जी कि ये फलां तंबाकू नोशी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। हाँ। शराब पीना हराम है। तो आपने ये जो नया ट्रेंड शुरू किया हुआ है खुदकुशी का, मुझे हाँ। बताए जरा कि खुदकुशी कहाँ से हलाल चीज है जो आप लोग इतना। अच्छा जी, दिखा रहे अम्मी मुझसे लड़ाई हुई, मैं बुबा नहीं मिली, काट ला लो। मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी, कट ला लो। मुझे फला चीज चाहिए, कट। यानी क्या बकवास है। इसमें भी दिखाया कि जी हमजा जो है, यानी आप एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि अगर बच्चा अपने माँ बाप से किसी चीज की जिद करता है और माँ बाप उसको अगर पूरा नहीं कर रहे, हाँ आप उसको अच्छे तरीके से ना ब्लैकमेल कर लो, आप खुदकुशी की ट्राई कर लो। यार आपको शर्म है, आपको अंदाजा है कि माँ बाप आप पे, आप लोग क्या करते हो अपने पेरेंट्स के साथ। खुदकुशी करना आप लोगों को लगता है कोई बड़ी फन चीज है या बड़ा कोई फिल्मी चीज है। आई एम सॉरी, सॉरी मैं थोड़ी गुस्से में आ गई। बड़ा गुस्सा आया ननु, बड़ा गुस्सा आया। मैं तो दिल नहीं कर रहे थे तो टीवी तोड़ देंदे पढ़ के। नहीं, लेकिन वाकई में गलत है और मुझे समझ नहीं आता। बाकी चीजों का आप लिख के देते हैं तो आप इसका क्यों नहीं पर्टिकुलरली लिखते हैं? डोंट ट्राई दिस एट होम। हाँ, नहीं उसके अलावा क्या खुदकुशी करना हराम है, क्यों नहीं लिखते हैं? नहीं तो दिखा भी क्यों रहे हैं इतना ज्यादा भाई। अगर ज्यादा से ज्यादा आप ये दिखा दो कि वो नाराज हो गया है या कहीं और चला गया, आपने ये जरूर दिखाना। उन्होंने जी अपने आप में वड ले आए थे, एंज करके पे आए थे। दिस इज सो रॉन्ग। आई जस्ट डू नॉट जस्टिफाई कि आप हर देखो जिस तरह डंक है ना, उसमें एक समझ लगती है, लॉजिक समझ लगती है। ये क्या यहाँ पे महबूबा नहीं मिली, सॉरी कटिंग हो गई। अच्छा जी, अब उन्होंने हमजा साहब ने खैर खुदकुशी की ट्राई कर ली है,
अब ये मिस ना करना, ये बात आप लोगों ने गौर से सुनी है। अच्छा। डॉक्टर साहब हमजा के वालिद साहब कह रहे हैं, हुई 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 हमजा कोमा में चला गया। एक तो कोमा में जाते हैं ना इंस्टेंट, जियो वाले तो फॉरन कोमा भेज देते हैं, फॉरन कोमा ना हो गया गड़ी शो हो गया। नहीं सीरियसली कोमा में चला गया। हमें नहीं पता कि हमजा वापस भी इस चीज से निकलेगा कि नहीं, अगर आ गया तो हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड हो, अपाहज मतलब वो हो जाए, वो कुछ यानी अल्लाह माफ करे, नहीं वो आए तो उसका आधा बदन काम करे ना करे, अल्लाह काम करे ना करे, अल्लाह करे अल्लाह माफ करे। किसी माँ बाप को ऐसी आप किसी उसके औलाद के बारे में, मैं कहती हूँ औलाद को माँ बाप के बारे में मिले तो मरने वाली हालत हो जाती है, माँ बाप की तो सोचे वो तो पिट पिट मर जाए। ऐना मायूस डॉक्टर, मैं तो चलना करा दे डॉक्टर, चलो डॉक्टर को छोड़ो, आपने मिस जो नहीं करना, वालदा जो है हमजा की उनका यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बैकहोमिंग वो खराब नहीं हुई है, वो फुल तैयार हो के उनका बेटा कोमा में है, वो तुसी तो पिट्टो, डॉक्टर कह रहे हैं पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, तुसी पिट्टो तुसी दुआवां मंगो, तुसी मुसल्ले तो ना उठो, और बहन उसकी लहजे ही मॉडल उसका फैशन जो चल रहा है, यानी एक थोड़ी सी सेंस यूज करें, आपका भाई आपका बेटा आप दिखा रहे हो कि अल्लाह माफ करे, डॉक्टर ने एक तरीके से जवाब दे दिया ना, आप तो दिखाओ कि डॉक्टर सी यार चलो वो एक भंड मारा है इन्होंने मारा, लेकिन आप इस चीज को तो देखो डंक में जब दिखाते हैं ऐसे अमाइयों की डेथ होती है, या वो जब उससे दूर भी होती है अपसेट होती है, जो यासिर जी ने अपना एक वो पूरी लुक पे काम किया, मजा आ गया यहाँ पे माँ की वैक्यूमिंग हुई, प्रॉपर फ्रेश सूट पहना हुआ, बहन ने अपनी हिले चढ़ाई हुई है, बैग पकड़े हुए और मजे में, और अंकल जी का सूट नहीं, अंकल जी का सूट नहीं, मैंने कोई दसे कि हॉस्पिटल च केड़ा बंदा होता है जेड़ा सूट पा पा के जाता है, सौंदे भी सूट पा के ने, हाँ जब उसने कट भी लगाए थे तब भी सूट में आए थे, चलो जी अगले दिन जाके चेंज करके आए हैं ब्राउन सूट से ब्लैक में, वो आप कोई सलवार कमीज पहन लो, कोई पजामा टी शर्ट पहन लो, ये चीजें ना थोड़ी सी डायरेक्टर्स को देखनी चाहिए, क्योंकि रियलिटी से फिर ये चीजें हट जाती हैं। खैर अब वही दिखाया है कि ये बहुत होता है ऐसा कि जो बहुत रिच फैमिली से एट टाइम्स बच्चे होते हैं, या इवन रिच भी नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को बिलावजह स्पॉइल करते हैं। हाँ। अब यहाँ पे क्योंकि साकिब साहब को अचानक से रियलाइज हो गया कि हमजा ने तो जी खुदकुशी की ट्राई की, वही अगेन ये गलत उन्होंने दिखाया, तो अब वो साकिब साहब मान गए और वो कह रहे हैं जी मैं तो दिल नशीन से तुम्हारी शादी करा के छोड़ूंगा, और ये वो मतलब यही काम तुम पहले कर लेते यार। अच्छा माँ तब अपनी जिद और अपनी अना और गुस्सा मुझे किस बात पे है, माँ अभी भी अड़ी हुई है, मैंने अपनी वैल्यूज को बचाने के लिए किया जो कि ओ हो भाई तू बीबी तू अपना पुत्र बचा, एग्जैक्टली वैल्यू क्या, तुम्हारा बेटा मन में रह जाए कल को वहां पे आपकी वैल्यूज को आपके प्लेट में लेके खाओगे क्या करोगे, बेवकूफी वैल्यू ऐसे रखी है अपने, उन्हें वैल्यू थे कपड़े पा रहे ने। अच्छा अब जी वो जो है उन्होंने वो माँ कहती भी है कि यार ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम पागल हो गए, उसकी तो शादी शुदी होने वाली है, वो कहते नहीं मैंने अपने बेटे से वादा कर दिया। ओ भाई किसी की आप लोगों को ये नहीं लगता है कि किसी की भी आप इज्जत जब चाहो उतार लो, जब चाहो उसको, आपको लगता है कि यू हैव मनी, ऐसे चवल लोग होते हैं, वही तो मैं कह रही हूं, ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनकी अक्सर वीडियोस भी फिर वायरल होती है, हां बंदा ते ओना नु लमिया पा ले मारे छितर 100 ते गिने, याद आजे ना याद वो वाली वीडियो कौन था, वो इस्लामाबाद वाली वीडियो, हां मैं तेरे काबू में हूं, मैं तुम्हें काबू में आके मारूंगा, काबू में आऊंगा, ऐसे मुंडे होते हैं, ऐसे होते हैं, बहुत ही माफी चाहती, एग्जैक्टली आपने अपने बच्चों को इतना आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया होता है कि अगर वो आपकी देखे ना फिर वही वाली बात, उसकी आपने बात नहीं मानी व्हाटएवर रीजन, उसने अपने आपको कट कुट लगा के वो कोमे में जाने की तैयारी हुई, खैर जी कोमा क्या होना था, वो वापस आ गया कुछ चंद मिनटों बाद ही इज बैक और वो उठ उठा के एंजॉय ऐसे कि भाई मैं ते तेरा पुत्र तेनु मार के तेरे हाथी देंगा, हाँ पुत्र साहब वापस आ गए, उसने एक दफा नहीं कहा अल्लाह से उम्मीद रखे या आप पुर उम्मीद, खैर जी ये हुआ। उसके बाद दिखाया कि दिलनशी जो है वो रेडी शेडी हो चुकी हुई है और दिलनशी निकल चुकी है, उसकी शादी का यानी दिन आ चुका है, माइयों के फंक्शन है, उधर फैसल कुरैशी भी जो हैदर का, हैदर ने बड़ा वैसे अत चुकी हुई है सारे सीरियल्स, हैदर वैसे जितने भी है ना चाहे डंक में हो चाहे इधर हो, हैदर ने बड़ी अत चुकी हुई है, ये वाला हैदर बड़ा शरीफ आदमी है, वो वाला हैदर जो है ना वो फिर नहीं वो भी चंगा हो गया, वो भी चंगा हो गया, हाँ यस यस, खैर मैं वही कहती हूँ हर जगह हैदर हैदर हुई हुई है। तो अब वो दिखाया है कि जी वो वहाँ पे उनका माइयों का फंक्शन है, आई लाइक द फैक्ट कि
उन्होंने बड़ा वो सटल सा डिकोर रखा है, ये नहीं दिखाया कि होता है ना कि मॉडरेट फैमिली का दिखा रहे होते कि जी बेचारे बड़े जब वो फंक्शन होता है तो ऐसे होता है कि पागल हो जाते। ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी वहाँ पे। अब जो हुआ है वहाँ पे आ गए हैं हमजा साहब के वाले साहब, हौसला चेक करो जरा। यानी आप वो मुंह चुक के अंकल जी बड़ा सारा मुंह है ओ वरना बड़ा सारा मुंह चुक के आ ही गए ना उत्थे। वेरी गुड, ऐसा होता है, होता है वो आए और आके। अब यानी मुझे ना वो बड़ा मुझे एकदम मुझे वो फ्लैशबैक्स याद आ गए कि जो भाई की वो जब थाने लेके जाते हैं जो उसकी इंसल्ट करते हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी की आपने एक इतने शरीफ इंसान की ना उसके बाद जी मेहंदी एक ही चीज होती है उसकी इज्जत। अगर आप उसकी इज्जत खराब कर दोगे ना वो उसके आगे फिर किसी को नहीं देखता। मुझे ये लगता है पर्सनली। और यहाँ पे भी ये हुआ है। अब वो कह रहे यार आपका दिमाग खराब है, मेरी बहन का फंक्शन है कल रुक सकती है एंड यू थिंक बिकॉज यू रिच एंड यू हैव सम पावर, आपको पावर का नशा इतना चढ़ा आप आगे और मैं आपकी मैं कहूँगा। एक बात बताऊँ वैसे उस लड़के ने भी ना अदल शीह के भाई ने भी बड़ी इज्जत रखी है, वरना कोई बंदा होता ना और वो लिटरली हाँ जिस तरह हुआ हो वो अंकल जी ने एनी चन्ना कराना ना अंकल जी लाल करके घर जाते अंकल जी उससे फिर भी बड़े तरीके से होता है भजन आप जाए यहाँ से। और गुस्सा तो मुझे दिलनशी पे चढ़ा है। दिलनशी को फिर से पहले उसने इस एपिसोड की शुरू में माँ से हाथ उठ जोड़ के माफिया मांगी, वो फिर वो फुल हो गई है, वो फिर माँ को कह रही है नहीं वो ये हो जाए। उन्हें गलत जो कराती फोन थे यार जो भी है आप कैसे भूल सकते हो कि आपकी माँ को आपके भाई को मतलब बहुत ही कोई कहते ना गंदा करेक्टर है दिलनशी का मीन और क्या कह सकते हैं कोई और कोई गंदी जी गाली सोचो चपेट मारने का दिल कर अपने आप से तुम सोच लो कोई गंदी जी गाली तो दे दो ठीक है मैं नहीं देंगा। यानी उसने भाई और माँ की भी नहीं शर्म की कि यार तुम्हारी वजह से कुछ थोड़े दिन पहले अल्लाह माफ करे वो सीन बड़ा वो वैसे मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगा था वो जो SHO ने किया था उसके साथ मैसेजेस पढ़ रहा है उसके सामने वो बड़े गलत है यार। किसी भी फादर या भाई के लिए आप उस घर की बहू बनना चाहोगी दोबारा हाँ व्हाई वुड यू डू दैट। ठीक है यार मोहब्बतें होती रहती हैं मतलब लेकिन आपकी माँ बहन भाई भी तो कुछ चीज होते हैं यार। आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोगों को जेन्युइनली लगता है कि फैसल कुरैशी जो हैं जो हैदर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको दिलनशी से इश्क उश हो चुका है या प्यार हो गया? क्यों मुझे लगता है कि उनको यस, ना उस सारे फंक्शन के दौरान वो बंदा अपनी एक्स को देख रहा था हाँ जी तो ए हो देख ली बदला नहीं लेना उन्हीं की आंखों में आंसू। मुझे लगता है कि हैदर जो है ना उसको इन्फैचुएशन है ही इज नॉट इन लव विद दिलनशी। इन्फैचुएशन यानी उसको ना बस वो एक दिल लगी हो गई है। आप हो ना उर्दू की डिक्शनरी और उसको कैसे कहेंगे रीबाउंड को कैसे कहेंगे ओ पंजाबी च नहीं होता पाकिस्तानी च नहीं होता। मैं तुम्हें दस रीबाउंड क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी किसी से मोहब्बत टूटी और आप दिल बर्दाश्त है अब आप कोई कंधा ढूंढ रहे हैं कंधा आपको मिल गया वो जरा प्यारा सा कंधा होता है कंधा इसे रीबाउंड कहते हैं। उधर होता है हमारे यहाँ नहीं होता हमारे यहाँ होते हैं कि तू जो बदला है तो अपना भी मैं तुझे पहले खांग लो बाद शेर पढ़ूंगा खांग लिया शेर अर्ज है कि तू जो बदला है तो अपना भी यही तौर सही तू नहीं और सही और नहीं और सही साढ़े लंज होता है रीबाउंड नहीं होता। सो दैट्स अबाउट इट यही कुछ हुआ है लेकिन इट वॉज अ गुड एपिसोड मजा आया देख के। अब आगे जो है वो बहुत मजेदार सीन होने वाला है। आई जस्ट वांट टू नो मैं आप लोगों से क्वेश्चन की थी एक तो ये आपने बताने कि भाई हैदर को क्या वाकई दिलनशी से मोहब्बत है और दूसरा क्या दिलनशी की शादी होगी क्या तुसी सारे नजूमी हो या तुसी दसना नहीं ना प्रिडिक्ट करे ना बताए मजाक करो मुझे लगता है हेल्प करे हमारे मुझे लगता है होगी। अली कहता है नहीं होगी वो उसको मार मूड देगा पता नहीं क्या ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है होगी। आपने बताने और बताने के बाद आपने कमेंट करने के बाद आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है इंस्टा पे फॉलो करना है मेरा बेल आइकन प्रेस करना है और देखिए मैं इतनी बीमार हूँ मुझे ज़्यादा सारा प्यार देना है दुआएं भी देनी है दुआएं भी देनी ताकि मैं ठीक हो जाऊँ और बस फिर अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।